गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज पूरा दिन मैं क्या कर रही हूँ एंड बहुत सारी मैंने आज अपने दिल खोल के आप लोगों से बातें की है। तो सुबह सुबह का टाइम है, बज रहे हैं घड़ी में 7 और मैंने सबसे पहले आटा गूंदा, एक तरफ मैंने सब्जी चढ़ा दी उबालने के लिए, कटहल की सब्जी बना रही हूँ आज मैं। और फिर सुबह सुबह चाय, तो सब लोग सोए होते हैं, मैं, पति देव और पापा जी बस उठे होते हैं। तो आटा गूंदने के बाद आराम से बैठ के मैं पीती हूँ चाय, उसके बाद मैं लगती हूँ अपने दूसरे काम के लिए। तो अब मैं तैयारी कर रही हूँ सब्जी बनाने की, तो एक तरफ मेरा जो कटहल है वो उबल रहा है, तब तक मैंने सोचा मसाले की तैयारी कर लेते हैं, देन डन। उसके बाद एक तरफ मैं रखती हूँ अपना तवा और साथ साथ मैं रोटी बनाती हूँ, और एक तरफ मेरी सब्जी भी बन रही होती है, तो मसाला वगैरह जो भूनना होता है वो सब मैं करती रहती हूँ, तो दोनों काम मेरे जल्दी निपट जाते हैं। देन मेरी रोटी मैंने कंप्लीट कर ली, मैं सुबह ही बना लेती हूँ बहुत सारी रोटी, और बस थोड़ी सी आटे को छोड़ देती हूँ, जब सब लोग खाते हैं तब बनाया करती हूँ। हम सुबह सुबह के टाइम पे रोटी वगैरह ही खाते हैं, चावल नहीं खाते हैं। तो देन सब्जी बन रही है एक तरफ मेरे हाथ चल रहा है रोटी का। तो सुबह सुबह मैं बिल्कुल रोबोट की तरह काम करती हूँ, जल्दी कम समय में ज़्यादा काम करना होता है, क्योंकि सुबह आँख तो खुलती नहीं है, उठा जाता नहीं है, तो इसीलिए समय कम होता है। तो वही बस निपटाया काम, फिर मम्मी आ गए किचन में, मम्मी यहाँ पे कुछ कर रही थी, अब ध्यान नहीं है क्या कर रहे थे, फिर मैंने जल्दी किचन साफ किया। लोग ऑफिस चले गए हैं और सब ऑफिस जब चले जाते हैं तो हम लोग चाय वाय पी लेते हैं, मम्मी मैं, हम लोग तो सुबह ही पी लेते हैं। उसके बाद मैं थोड़ी देर आके ब्लैंकेट में से बैठ के थोड़ा सा अपना फ़ोन चलाती हूँ, अपना मतलब जो भी काम होता है इंस्टा पे, जो भी रिप्लाइज करने होते हैं कोलैब की, वो सारी चीज़ें करती हूँ आधा घंटा तक। उसके बाद मैं फिर धनवी को उठाऊँगी, अभी धनवी सो रही है। वैसे धनवी ना थोड़ा सा जब कम ठंड थी तो 7:30 हमारे साथ 7:30-8 बजे तक उठ जाती थी, लेकिन अभी ठंड ज़्यादा है तो वो, उसको हम लोग खुद चाहते हैं कि वो सो ही रहे, नहीं तो अगर ये उठ जाती है ना तो ये घूमने स्टार्ट कर देती है इधर से उधर, फिर ठंड लग जाएगी, तो इसलिए मैं इसको सोचती हूँ कि ये सो ही रहे। और अब थोड़ा सा मैं अपना काम कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। आज मैं पूरा दिन आपको बहुत 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 इन्जॉय कराने वाली हूँ अपने ब्लॉग के थ्रू, सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होगी, पैकिंग वगैरह भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो चलिए ब्लॉग में इन्जॉय कीजिए, और कब जाती हूँ मैं घर देखते हैं, पैकिंग करनी है आज। दानवी 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 दानवी, ये देखो, गुड मॉर्निंग जा। मामा को पूछी दो, बोलो गुड, हाँ जा। ये खुशी से क्यों पगला गए? अच्छा ना, एक बोलो गुड मॉर्निंग पापा। पापा तो ऑफिस गए, आप सो लेते ना, पापा ऑफिस चले गए। खाना खाना खाओगे? हाँ। झूठू, इतनी छुप छुप कोई आप खाते हो? दीदी बाबू, अब ना बोली, देखा था नहीं? बाबू धनवी, बाबा बुलाते तो आप कैसे बोलते हो, क्या बोलते हो? हाँ कैसे? धनवी एक बार बोलो, आप बाबा आपको बुलाते तो आप कैसे बोलते हो? बाबूनी रवीना रगड़ के थोड़ा लगाना। मैंने रखा है खाना, अभी मैं नहा ही नहीं हूँ, जा रही थी मैं नहाने, बट सुबह मैंने बनाई थी कटहल की सब्जी, दो सब्जी बनी थी आज, सो सुबह की कटहल की सब्जी बहुत ज़्यादा बन गई थी तो उसमें से है, तो फिर मुझे सिर्फ अभी दोपहर में थोड़ा सा ही खाना बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है, तो मैंने रख दिया खाना। और बस मैं थोड़ा बहुत खाने रखने के बाद बीच बीच में अपना यूट्यूब का भी काम करती रहती हूँ, बाकी सारा रूम वगैरह बिस्तर वगैरह सब कुछ क्लीन कर लिया है, और ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी मैंने आप लोग को बहुत बार दिखाया हुआ है इसलिए दिखाया। अब मैं जा रही हूँ नहाने, काफ़ी लेट हो गया है, जैसे कि आप देख रहे हो 2 बजे, अभी 1 बजे मैंने नाश्ता किया है। और गाइज मैं आपको बताऊँ कि देखो
ये ना बहुत टाइम से बहुत सारे लोग ये चीज़ बोलते थे, बट मेरे को लगता था कि यार चलो मैं इनका सब बताना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि आप लोग बिना नहाए किचन में चले जाते हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, नहा के जाना चाहिए किचन में, बहुत सारी चीज़ें। तो गाइज आई नो आप जो कहते हो बिल्कुल सही बात है, नहा के जाना चाहिए, बिकॉज किचन में ही भगवान का वास होता है ऐसा बोला जाता है। लेकिन मैं बताऊँ आपको, हमारे घर पर हम लोग नहीं नहा के जाते हैं स्टार्टिंग से ही। मैं तो स्टार्टिंग से आई थी, क्योंकि स्टार्टिंग से जब मैं आई तो एक दो महीने बाद ही मतलब ऐसा कुछ मेरे यहाँ पे मैंने नहीं देखा है कि नहा के जाना। लेकिन मम्मी बोलती हैं कि पहले के ज़माने में, और आज भी बहुत सारे घरों में ऐसे लोग हैं जो नहा धोवा के ही सुबह किचन में जाते हैं। इनफैक्ट मेरी मामी जी बहुत सारे लोग हैं जो नहा धोवा के किचन में जाते हैं, बट हमारे साथ, मेरे साथ तो स्पेशली, मैं अपना बता रही हूँ, मैं सबका नहीं बता सकती, नहीं मैनेज हो पाता मेरे से कि सुबह सुबह उठ के नहाऊँ और उसके बाद जाऊँ, बिकॉज हमारे घर में काफ़ी लोग हैं, सबको ऑफिस जाना होता है, तो सुबह इतना ज़्यादा ना हड़प दड़प हो जाता है ना, और रात को भी हमारा सोने में बहुत लेट हो जाता है, तो सुबह जल्दी आँख खुलती नहीं है, तो नहाएंगे सब चीज़ तो उसमें ना लेट हो जाता है। तो ये शुरू से ही आदत है, हम उठते हैं अच्छे से फ्रेश होते हैं, मुँह हाथ धो के अपना आराम से, उसके बाद किचन में जाके और खाना चाय पानी करते हैं। आई नो नहा के जाना चाहिए, बट हमसे नहीं हो पाता है, मैं नहीं मैनेज कर पाती हूँ तो मैं नहीं जाती हूँ। और एक तो रीज़न ये था ना कि जब मेरी शादी होकर आई थी तुरंत, तब तो मैं पूरे सवा महीने तक नहाई थी सुबह। हम लोग नहा, मैं मेरे, हम जो लोग बिहार से हैं ना वो मेरी इस बात को समझेंगे, सवा महीने तक सुबह 5 बजे उठ के मैं नहाया करती थी, और नहा के अच्छे से सुंदर से बन के साड़ी वड़ी पहन के, यहाँ से पूरा सिंदूर, येल्लो सिंदूर लगा के तैयार के तब मैं बाहर निकला करती थी रूम से। तो ये सवा महीने तक किया है, हमारे यहाँ ये रस्म होती है जब नई नई बहू आती है तो सवा महीने तक ऐसा होता है, साड़ी पहनना, मतलब वो एक फेज लाइफ का अलग ही होता है, वो सारी चीज़ें मैं करती थी। बट उसके बाद हम लोग यहाँ नोएडा शिफ्ट हो गए, और 2 महीने बाद ही मैंने कंसीव कर लिया था, 1.5 महीने बाद कंसीव कर लिया था, देन मेरा मिसकैरेज हो गया। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में चलने लग गई, कंटिन्यू चलने लग गए। तो उन सारी चीज़ों में इतनी उलझ गई मैं ना कि इन सब चीज़ों में टाइम ही नहीं, मतलब लगा ही नहीं कि हाँ चलो नहा के ऐसे करना चाहिए। मेरी शादी के तुरंत बाद ही मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा थोड़ी सी अनबैलेंस हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में नेगेटिव हो गई थी मेरी हेल्थ को लेके, तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाई। और अब जब उस टाइम नहीं कर पाई, तो अब तो हो ही नहीं पाता, अब तो बच्चा छोटा है, मैं अगर सुबह उठ के नहा लूँगी तो उसको ठंड लग जाएगी, मैं लेट नहाऊँगी, तो बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है, तो अब तो वो चीज़ हो ही नहीं पाती। अगर हाँ वो मैंने शुरू से आदत लगाई होती तो शायद आज हो जाती, बट नहीं हो पाती, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आप लोग कमेंट ऐसे मत किया करो, आई नो नहा के जाना एक गुड हैबिट है किचन में, बट नहीं हो पाता है गाइज, नहीं हो पाता है, मैं क्या करूँ, नहीं हो पाएगा सुबह सुबह। एक तो मुझसे ठंड में उठा नहीं जाता, आप तो नहाने की बात कर रहे हो, मैं नहाऊँगी कैसे, उठने में मेरी एकदम रोग आ के तो मैं उठती हूँ, और उसमें मुझे सुबह से कोई नहाने को बोल दे तब तो भैया मेरे बस की बात नहीं है ये, इसके लिए मुझे माफ़ करिए। चलिए अब नहाते हैं, मेरा रोज़ का टाइम ना 1-1.5 बजे है नहाना, मैं रोज़ 1-1.5 बजे नहाती हूँ, अब नहाऊंगी, अब फिर उसके बाद अपना यूट्यूब का काम करूँगी। गाइस मैं जा रही हूँ हेयर वॉश करने, मेरे हेयर में ना बहुत ज़्यादा डेंड्रफ की प्रॉब्लम हो गई है, पता नहीं क्यों। तो मैं जा रही थी हेयर वॉश करने, तो मैंने सोचा कि आज आप सभी के साथ शेयर करती हूँ ममा अर्थ ने न्यूली लॉन्च, ममा अर्थ का न्यूली लॉन्च हेयर केयर रेंज, जो कि लेमन एंड जिंजर रेंज है, जो कि अभी न्यूली लॉन्च हुआ है। ये देखा, ये इसकी बात करिए ममा, है ना इसकी बात करिए ना। सो ये चलिए मैं लगाती हूँ, और मतलब हेयर वॉश करती हूँ, कंडीशनर यूज़ करूँगी। देखो शैम्पू करने के बाद ना कंडीशनर ज़रूर आपको ट्राई करना चाहिए, मतलब यूज़ करना चाहिए, बिकॉज आपके जो हेयर है ना वो कंडीशनर यूज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाते हैं। सो चलिए यूज़ करते हैं एंड इसकी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये ममाअर्थ का लेमन एंटी डेंड्रफ कंडीशनर एंड शैम्पू है, विद लेमन एंड जिंजर के साथ ये आता है, एंड ऑल्सो ये आपके जो बालों में इचनेस होती है ना, जो स्कैल्प में इचनेस होती है उसको ठीक करता है, फ्लैकी स्कैल्प के लिए ये बेस्ट। सो गाइज मेरे पास है ममाअर्थ का लेमन शैम्पू एंड कंडीशनर। विंटर में हमारे स्कैल्प जो होते हैं ना वो काफ़ी ड्राई एंड इची हो जाते हैं, एंड डेंड्रफ की प्रॉब्लम भी हो जाती है, और हम डेंड्रफ को ठीक करने के लिए अलग अलग तरीक़ों के शैम्पू यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन होता क्या है कि डेंड्रफ ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन हमारे हेयर काफ़ी रफ एंड डल हो जाते हैं। एंड एक सेकेंड ऑप्शन होता है DIY करना, जो जिंजर लेमन का जूस निकाल के अच्छे से बालों में लगाना, बट गाइज हमारे पास इतना टाइम
टाइम कहाँ है ये सब करने के लिए। सो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ ये शैम्पू एंड कंडीशनर। सो गाइज क्वांटिटी काफ़ी सारी है, कम पैसों में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी मिलती है। आपको थोड़ा सा लेना है और अच्छे से बालों में लगा के वॉश कर लेना है। एंड इसमें जो लेमन है ना उसकी जो फ्रेग्रेंस आती है गज़ब की आती है, बहुत अच्छा लगता है। जो लेमन है एक पावरफुल इंग्रेडिएंट है डैंड्रफ के लिए। एंड ऑल्सो जो लेमन है एंड ऑल्सो लेमन शैम्पू यूज़ करने से सूदिंग फीलिंग आती है एंड इच्छी स्कैल्प को भी ठीक करने में हेल्प करता है। एंड इसमें जैसे मैंने बताया जिंजर भी है, तो जिंजर में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि मेनटेन करता है स्कैल्प हेल्थ को एंड ऑल्सो रिड्यूस करता है डैंड्रफ को अप टू 100%। तो देन मैं यूज़ करूँगी कंडीशनर। आफ्टर शैम्पू मैंने अच्छे से पूरे बाल को धो लिया, सारा शैम्पू निचोड़ दिया, फिर मैं सेकेंड जो मेरा स्टेप है वो मैं यूज़ करूँगी कंडीशनर। सो गए जो कंडीशनर होता है ना वो आपके हेयर को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है, ऑल्सो टाइम्स फ्रीज एंड गाइज मेड सेफ सर्टिफाइड है एंड टॉक्सिन फ्री है ये दोनों ही प्रोडक्ट शैम्पू एंड कंडीशनर। तो फिर नहा वहा के हेयर वॉश करके मैं चली गई थी नीचे, बिकॉज मम्मी धूप में बैठी हुई थी तो मेरे को जो नए वाले हम लोग ईयरिंग्स लेके आए थे ना वो पहन रही थी, लेकिन ये खुल ही नहीं रहा था। मम्मी ने मुझे वहीं बोला था कि सुनार से पहन लो, तो मैंने नहीं पहना। मैंने नहीं मम्मी घर जाके पहनूंगी आराम से, तो वही मम्मी मुझे डांट रही थी कि मैंने कहा था वहीं पहन लो लेकिन नहीं पहना तुमने। मैंने हेयर वॉश कर लिया है एंड आफ्टर हेयर वॉश मेरे बाल देख सकते हो आप बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना हाँ डैंड्रफ कम हो गया, बिकॉज ऐसे करने पे ना यहाँ पे डैंड्रफ बहुत सारे गिर जा रहे थे मेरे कपड़ों पे, सो वो थोड़ा सा कम लग रहा है। मैं अभी 1 से 2 वीक हो गया है मुझे यूज़ करते हुए, बिकॉज ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है। सो डिस्क्रिप्शन आप जाके चेक कर सकते हो, अमेजोन नायका फ्लिपकार्ट से ले सकते हो, ऑल्सो ममाअर्थ की वेबसाइट से ले सकते हो, साथ ही साथ ममाअर्थ ऑफलाइन प्रेजेंस मतलब आपके घर के आसपास आपको ममाअर्थ की स्टोर भी देखने को मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके और अपने लिए ममाअर्थ के प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हो। एंड ऑल्सो मेरा अगर कूपन कोड यूज करते हो NIKU2023 तो आपको 120% का डिस्काउंट मिलेगा। सो जल्दी से जाइए चेकआउट कीजिए। एंड ऑल्सो गाइस एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ ममाअर्थ की इनिशिएटिव के बारे में, प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, जिसके तहत जब भी आप ममाअर्थ से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो ममाअर्थ आपके ऑर्डर को एक फ्री से लिंक करते हैं जो कि प्लांट करते हैं आपके बिहाफ पे। सो है ना अमेजिंग डील। और ममाअर्थ का एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का। सो जल्दी से ये चेकआउट करिए। और ये मेरे नए ईयर रिंग्स जो आप बताना कैसे लग रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने बोला थोड़ा सा पास से दिखाओ, तो गाइज ये है ऐसा कुछ। तो जल्दी से जाइए चेक करिए, आप जल्दी से दोपहर का खाना दे दूँ पापा जी सबको। मम्मी ने बोला है हरे पत्ते की जो हरा धनिया होता है ना उसकी चटनी बनाने के लिए, सो चटनी बना दूँ उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। असली वाला धनिया पत्ता नहीं है, वरना असली वाला धनिया पत्ता में इतनी प्यारी खुशबू आती है ना कि क्या ही बताए। तो दोपहर का खाना बनाने के बाद खाने के बाद मैं जाके सो गई थी नीली, और उसके बाद शाम को चाय, शाम की चाय। अभी यहाँ पे ना दूध दूध किसी ने उबाला होगा तो वो दूध पूरा गिर गया है, तो जल्दी से हम साफ करा देंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे। तो प्लीज डू नॉट नेगेटिव कमेंट। देखो माय न्यू इयररिंग्स, लेट्स सी कब तक न्यू रहता है। कह रहे देखता हूँ कब तक ये रहता है कानवा में के। क्या करूँ कौन शराब पता ना हमारा लागल मामला खुद ना बुझाला। चलो चलो क्या कर रही हैं आप, मम पी रही है हूं, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? आई एम ड्रिंकिंग वाटर। विक्की बोलता था मेरा भाई निक्की इसको ये सब नहीं सिखाएंगे मम, लेकिन वो खुद ही सीख गए। बस अब पापा पियेंगे, आई पूछी तो पापा को गांव की बहुओं को मैं तो सुती लड़के। लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है मेरे ब्लॉग में, मुझे इतनी पॉजिटिव चीजें बोली हैं। सुन रहे हैं आप, मेरी तारीफ आपसे सुनी जाती नहीं है। हाँ देखो दोनों जने को बाप बेटी को कैसे इग्नोर कर रहे हैं मेरी बातों को। जब ये ऑफिस से आ जाते हैं तो धनवी मुझे पूछती भी नहीं है, बाकी पूरा दिन मम्मी मेरा और पापा जी का खून पीती रहती है। और जब ये ऑफिस से आ जाए तो हम सबको छुटकारा मिल जाता है धनवी से।
बेटा ओ कोई बात नहीं, इधर से आ जाओ। नहीं आते तुम बेटा, बोलो बोलो ये क्या है? मैं ये कर रही थी, मेरे ब्लॉग से कमेंट रीड किया आज क्या आज अच्छा लगा आपको? थोड़ा गाना एक गीत पापा का गाना चल रहा है ना, और एक वो वाला गाना गाना गाय के गोबर बन चुकी है आप गाते नहीं? हमारे घर में कोई पूजा पाठ होता है तो ये मम्मी के साथ मिलके और गाना गाते हैं, जो पूजा पाठ में गाया जाता है वो सारे गाने, गाय के गोबरा और ये तो गलत चला गया आपका राग। ऐसा कोई राग है नहीं, बहुत ही गलत चला गया। गाय के गोबरा महादेव आंगन लिपाई गजमती चौरा गोबरे महादेव आंगन लिपाई। अपने ससुराल में शादी है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां जाके गीत गा के। एक और गाना तो गाते हैं हम लोग माता रानी का, निमिया के डाड़ मैया। ऐसे बैठ के टाइम पास मैं सब्जी काट रही हूँ। निमिया के आपके बेटे मम्मी आज गीत गा रहे हैं आंगना लिपाई निमिया के डाड़ पगलाए हुए, गाना गा रहे बैठ के निमिया के डाड़ मैया आंगना लिपाई झूलता झूलता। तो इनकी फीस सिर्फ 100 रुपए है, कोई भी बुलाना चाहे अपने घर गीत गवाने के लिए पर नाइट 100 रुपए चार्ज करते हैं प्लस एक कप चाय और एक गिलास पानी इनको चाहिए होता है, तभी अगर पिएंगे तो गला का राग ठीक होगा, बाकी फ्री सेवा है 100 रुपए बस चाहिए। ठीक है, अभी तो मेरे घर के लिए बुक है मायके के लिए, बाकी जब वहाँ से फ्री होंगे तो आप लोग बुकिंग ले सकते हो, इनकी बुकिंग मेरे पास ही आती है। 3 मिनट बकवास कर दी हमने बैठ के। देखते हैं कौन बड़ा है, धनवी बड़ी है। और उसके बाद हम आ गए किचन में रात के खाने की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ मैंने बनाया है चावल दाल ब्लैक वाली, जो कौन सा दाल बोलते हैं बताना ज़रा। क्या बोलो खाना, मम्मा अभी आपको गरम करके दे रही है आपका खाना। ठीक है ओके बेटे, मम्मा को आपका खाना गरम कर तब देगा। रोते नहीं है ना, अच्छे बच्चे को रोते हैं कहीं देखा है अच्छे बच्चे को रोते हुए? सिर्फ जो गंदे बच्चे होते हैं वो रोते हैं, अच्छे बच्चे कभी नहीं रोते हैं। ठीक है आप गुड गर्ल हो, गुड गर्ल हो, पूछी लो गुड गर्ल एक मम्मा को, मम्मा को एक पूछी गुड गर्ल देगी। तो धनवी को कैसे भी मना के और मैंने बाहर भेज दिया, फिर मैं अपना खाना बनाने लग गई। तो मैं यहाँ पे ब्लैक वाली जो दाल होती है ना, दाल मखनी बोलते हैं, मैं भी वो बना रही हूँ और चावल और सब्जी। तो अभी सब लोग कुछ ना कुछ करने में बिजी हैं, तो इसलिए धनवी इधर ही परेशान कर रही है ना, धनवी ज़्यादातर मम्मी का खासी। आज है चौथ का व्रत और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, मतलब मुझे नहीं पता था कि आज चौथ का व्रत है, बिकॉज मतलब सुबह से मैं अपने कामों में ही बिजी थी, थोड़े से मेरे पेंडिंग वर्क थे वो सारे निपटाने में, अभी जस्ट मुझे पता चला शाम को तो कि आज चौथ का व्रत है। जो चौथ हमारे यहाँ पे आप लोगों ने देखा है ऑलरेडी, पहले मम्मी करती थी बट अब नहीं करती हैं, बट मेरे घर पे होता है भाभी करती हैं, मैं नहीं करती हूँ। अब बहुत सारे लोग मुझे पता है ये भी सोच रहे होंगे बोल रहे होंगे कि क्योंकि इनकी बेटी है बेटा नहीं है इसीलिए चौथ नहीं करती है। तो गाइज इसका एक्सप्लेनेशन मुझे अब देने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप सबको पता है मैं छठ करती हूँ, तो छठ जैसा महापर्व मैं करती हूँ अपनी बेटी के लिए।
तो फिर चौथ या जीवतिया ये सारी चीज़ें तो मैं जाहिर सी बातें करती, बट मम्मी ने बोला ना कि अभी थोड़ा सा मतलब वो है कि कितना भी यार अभी हम छोटे ही हैं, बहुत बड़े नहीं हुए हैं, तो मम्मी बोलती है कि जैसे थोड़ा आगे उम्र होगा वैसे धीरे धीरे सारी चीज़ें उठाते जाना, अभी सारी चीज़ें एक साथ उठाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए मैं अभी नहीं करती हूँ चौथ का व्रत येस, बट आने वाले टाइम में आने वाले समय में ज़रूर करूँगी। लेकिन आई नो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते होंगे। और गाइज एक चीज़ और मैंने सुनी है, अब पता नहीं ये 100% ट्रू है या नहीं, ये मुझे नहीं पता, जो इंसान करवा चौथ करता है वो चौथ के व्रत नहीं करता है, ऐसा मैंने सुना है। अब पता नहीं ये सच है या झूठ है, वो आप लोग कमेंट में बताना, कि बोलते हैं कि तीन चौथ के व्रत नहीं करते, या तो दो करते हैं या तो चार करते हैं, ऐसा सुना है। तो मैं तो करवा चौथ करती हूँ, तो अगर मुझे करना होगा तो शायद मैं एक चौथ करूँगी, और साल में दो चौथ के व्रत आते हैं तो मुझे एक ही करना होगा अगर उठाऊंगी कभी तो। बट ये क्या ट्रू है या नहीं, ये मुझे आप लोग कमेंट में बोलना कि बताना कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। और अभी सब लोग गए हैं ऊपर पूजा करने, ऊपर मैंने तब तक सोचा कि मैं खाना बना लूँ, बिकॉज आज मेरा जो मैंने आपको बताया ना यूट्यूब के काम की वजह से मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ, 9 बज रहे हैं और मेरा खाना नहीं बना है, तो मैं जल्दी से खाना चढ़ा के कि खाना बन जाए, मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँ, फिर ऊपर जाऊँगी मत्था टेक के आऊँगी, भगवान जी से आशीर्वाद लेके आऊँगी। धर्मी ऑलरेडी ऊपर चली गई है, सभी लोग ऊपर है, मैं ही बस अकेले नीचे हूँ, खाने में लगी हुई हूँ, सो ये बन जाता है, फिर चलती हूँ। तो प्लीज़ कोई भी नेगेटिव कमेंट ना करे बेटा बेटी वाला, आजकल आपको पता है गाइस मतलब बेटों से भी ना बहुत आगे बेटियाँ निकल रही हैं, और अपने माँ बाप का नाम बेटों से भी ज़्यादा बेटियाँ रोशन कर रही हैं, तो अब की जनरेशन में अब मुझे नहीं, और पहले भी मुझे नहीं लगता था, बहुत सारे रीजंस होते थे जिसकी वजह से लोग ऐसे बोलते थे बेटी नहीं बेटा चाहिए ऐसा ये वो, बट अब मुझे लगता है ऐसा कोई भी कहीं नहीं सोचता है, सबको मतलब कुछ भी हो जाए बेटा बेटी सब एक बराबर है। तो बस इसलिए मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी कि कोई ये ना बोले कि हाँ इनकी बेटी है ना चौथ का व्रत बेटों के लिए होता है तो ये नहीं करती हैं, जब मैं छठ कर सकती हूँ तो चौथ भी कर सकती हूँ, बट बहुत सारे रीजंस की वजह से मैं नहीं करती हूँ। बट हाँ देखते हैं जल्दी उठाएंगे ये वाला व्रत भी। अब चलिए बहुत बातें हो गई, बर्तन धोना है, खाना बनाना है, बहुत सारे काम है। मम्मी ये जो प्रसाद रखा लड्डू उसमें से ले लो, उनको भी दे दो। ठीक है। तो गाइज़ ये है तिल का लड्डू, तो यही आज का मेन प्रसाद होता है जो घर पे बनाया गया है, और बस प्रसाद लेना था तो मैं मम्मी से वही पूछ रही थी कि मम्मी मुझे भी दे दो प्रसाद कहाँ रखा है, तो मैं बूंदी का लड्डू लेके जा रही थी, तो मम्मी ने बोला नहीं आज पापा जी ने बोला कि आज तिल का जो लड्डू होता है वो मेन होता है, तो पहले आज प्रसाद वो खाया जाता है, तो फिर मैंने ये लिया और आशीर्वाद लिया। और यहाँ मैं बना रही थी चाय, बिकॉज़ भाभी का व्रत है आप लोग को पता ही है, तो मैं उनके लिए यहाँ पर चाय बना रही थी, और ये ग्लास में दूध, इसमें ना कुछ कोन होता है ना शक्करकंद जिसको आप बोलते हैं वो मिक्स करके खाया जाता है, ये सारे नियम रीति रिवाज होते हैं। तो बस यहाँ पे मैं वही मम्मी को दे रही थी कि ये चाय और दूध, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें करके मैं खाना खाने बैठी। मम्मी की तबीयत थोड़ी सी आज ख़राब है, तो मम्मी को मैंने बेड पे ही दे दिया था खाना खाने के लिए, और मैं नीचे बैठी हुई थी। ये हमारा हमेशा का रूल है, हमारे घर के जो भी जेंट्स हैं वो सब एक साथ खाते हैं, और जो लेडीज़ हैं वो एक साथ खाते हैं। तो बस हमने खाया, उसके बाद रात का काम बर्तन वर्तन धोया, किचन विचन ओरिया या साफ़ किया, और फिर सुबह के लिए सब्ज़ी काटी। सब्ज़ी हमेशा मम्मी काटती है रात को, लेकिन मम्मी की तबीयत क्योंकि ख़राब थी तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि मैं काट लेती हूँ, मम्मी को परेशान नहीं करती हूँ, और सब्जी रात को काट के रख लो ना तो सुबह काम इजी हो जाता है। रात को सोने से पहले सबको गर्म दूध चाहिए होता है, तो सबको गर्म दूध दिया। बस आज का इतना ही काम था मेरा। ये लड़की बहुत ज़्यादा बदमाश हो गई है, और मैं क्या करूँ मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। सो गाइस आज के ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड, सो यही सारी चीज़ें थी जो ये देखो गाइस और ये देखो क्या हुआ, आँख खुदा गया ऐसा तब पापा कैसी वो है ना, कोई सोचता आँख खुद हमारी भाषा है आँख खुद आ गया। सो गाइस और अब मेरे न्यू इयर रिंग्स थोड़े दिन तक चमकाऊंगी, फिर खो जाएगा। नहीं यार प्लीज भगवान जी इस बार मत खो, मैं संभाल के रखती हूँ, पता नहीं कैसे खोल के, ये देखना यार मैं इसको गुस्सा नहीं आएगा, मैं पटाख से दे दूंगी अभी, एक इतना मुड़ी में चढ़ा ना लड़का लोग के जान लो जितना तारा के चढ़ा ले मैंने। ये पता नहीं कैसे नोज ले रही है, नेल्स इतने बड़े बड़े हो गए। नोज कहाँ आपका, ये
ये नोज का है, नोज नोज आईज 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 ईयर्स ईयर्स लिप्स 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 अब जाएंगी मैडम लिपस्टिक के जहाँ जगह मैंने रखी है वो दिखाएंगे। कुछ और सीखो। अरे सुनो मम्मा की बात सुनो, सॉरी बोलो कान पकड़ के, सॉरी बोलो। अब जाके जब तक लिपस्टिक उठाएगी नहीं दिखाएगी नहीं तब तक मानेगी नहीं। देखना कि